अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज है बहुत ही ख़ास दिन, वैसे तो एक्चुअली वो कल है लेकिन उसकी तैयारी मैं आज से करूँगी। अपने जैसे कि टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि हमारे घर में आने वाले हैं हमारे सारे घर वाले कितने महीनों के बाद। तो बस यहाँ पर हो गया है शाम का वक्त और 8 बज चुके हैं और बाहर का वेदर बहुत खूबसूरत हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। बस खाने का वक्त हो गया था तो हम खाना खा रहे हैं। आज हमने खाने में बनाया था कढ़ी खिचड़ी और टमाटो की चटनी है और कीमा है। बस जल्दी से खाना अपने हस्बैंड को दूंगी, फिर खुद खाऊंगी, फिर कल की तैयारी करूंगी। तो बस हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था और बच्चों को भी खिला चुकी हूँ, बस अब अपने लिए निकाल रही हूँ। तो मैंने एक लिया है कढ़ी खिचड़ी और साथ में टमाटो की चटनी। टमाटो की चटनी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, स्पेशली कढ़ी खिचड़ी के साथ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो बस अपना खाना गर्म करने से पहले मैंने निकाली है सारी चीज़ें जो फ्रिज में जाने वाली है, एक्स्ट्रा है, तो सारे बर्तन वगैरह धोकर फिर मैं खाना खाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना सारा काम फिनिश करके फिर खाऊं, तो बाद में टेंशन नहीं रहता। मेरे जैसे आप कितने लोग ऐसा ही करते होंगे, आई नो। बस सब कुछ हो गया है डन और मैं लगी हूँ खाना खाने और मैं जा रही हूँ टीवी रूम में और टीवी देखते देखते खाऊंगी। आप लोगों में से कितनों को पसंद है कि आप सारा काम फिनिश करें और फिर आराम से बैठ कर खाएं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आराम से बैठ कर टीवी देखते हुए खाना। तो बस हम यहाँ पर देख रहे थे सलमान खान की मूवी किक। बस तब तक मैं अपना खाना फिनिश करूँगी और फिर वहाँ तक मूवी भी फिनिश हो जाएगी, फिर जाऊँगी किचन में और कल की तैयारी करने वाली हूँ। तो बस आप भी मेरे साथ रहिएगा। तो बस मूवी हो गई थी फिनिश और मैं आ गई हूँ किचन में और ये यहाँ पर दाल भिगाने लगी हूँ। कल बनाऊँगी मैं इसके दही बड़े जो हमारी सारी फैमिली के लिए बनेंगे, इंशाल्लाह पूरी फैमिली आएगी तो ज़्यादा बनाने हैं इसलिए ज़्यादा दाल भिगाऊँगी। तो बस ये रात भर भीग जाएगी तो सुबह में इसे ईजिली पीस लूँगी। फ्रीज़र से चिकन भी निकाली है ताकि हम सुबह में इसका रोस्ट बना सकें इंशाल्लाह। और बस काम हो गया है मेरा डन और मैं खाने लगी हुई यहाँ से मैंगो और ये बहुत ही नाइस एंड टेस्टी मैंगो थे। बस मैंगो खाएंगे और थोड़ी देर टीवी देखूंगी और फिर सुबह में मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर हो चुकी है सुबह और माशाल्लाह से वेदर बहुत 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 खूबसूरत है। दो दिन से बारिश लगी थी लेकिन आज थोड़ा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आ गई थी बाहर कपड़े सुखाने के लिए तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि कितना अच्छा वेदर है। तो बस मैंने अपने कपड़े सुखा कर वापस से आ गई हूँ किचन में और बस खाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर काट रही हूँ वाटरमेलन जो शाम को इंशाल्लाह हम सब के लिए निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा सा डब्बा और उसके अंदर छोटे छोटे पीस करके मैं इसे बंद करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा ठंडा सबको दे सकूँ। और साथ ही मेरी सास ने जो चिकन हमने रात को निकाली थी उसे अच्छे से धोकर इसे मैरिनेट कर दिया है शाम के लिए। माशाल्लाह से हमारी फैमिली में जब भी गेट टुगेदर होता है तो हम एक एक चीज़ बांट लेते हैं, जैसे कि मेन कोई और बना ले, कोई डिज़र्ट बना ले, कोई स्टार्टर बना ले। तो मैंने वेज का स्टार्टर सोचा था तो मैंने सोचा कि मैं वेज के स्टार्टर में दही बड़े बना लूँगी। तो बस मैं वही दही बड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो बस दाल पीसने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया था नमक और राइस फ्लावर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो राइस का फ्लावर ऑप्शनल होता है, अगर आपको डालना हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरी सास को ये पसंद है तो वो हमेशा ऐड करते हैं तो मैं भी ऐड कर लेती हूँ। तो बस इसको जल्दी से हम तल लेंगे और फटाफट से इसकी चटनी वगैरह बना लेते हैं। और दूसरे साइड पर मेरी सास ने यहाँ पर चिकन को फ्राइंग पैन में थोड़ी देर के लिए पकने रख दी है। बस इसे थोड़ी देर पका कर इसे फिर हम ओवन में पकाएँगे इंशाल्लाह।
तो बस यहाँ मेरे वड़े भी नीली तल चुके हैं, तो मैं इन्हें उतारूँगी पानी के अंदर और हाथ की मदद से इन्हें अच्छे से प्रेस करते हुए इनका एक्स्ट्रा पानी निकालूँगी और एक अच्छे से प्लेट में सजा दूँगी। मैं इसका ऐसा नीचे लेयर बना लूँगी ताकि जब मैं इसके ऊपर योगर्ट डालूँ और जब मैं सर्व करूँ तो इसे चम्मच की मदद से स्ट्रेट निकाल सकूँ। तो बस मैंने इसी तरह सारे वड़ों को तल कर एक एक प्लेट में लेयर बना दिया था। और बस ये चिकन भी हमारी हो गई थी रेडी, तो इसे भी हम रख देंगे ओवन की प्लेट में और ओवन में रख देंगे इंशाल्लाह। और जब खाने का वक्त होगा तब हम इंशाल्लाह इसे ऑन कर देंगे। तो बस अब हम इस पर डालेंगे चटनी और योगर्ट जो हमने रेडी कर लिया है पहले से ही, और बस इसे अच्छे से असेंबल कर लेंगे। तो बस सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद ये कुछ इस तरह लग रहा था। तो बस इन्हें मैं अच्छे से अब पैक कर लूँगी और बस एक साइड पे रख दूँगी। जब सब शाम को आएंगे तब इंशाल्लाह इसे खोलेंगे। और जो एक्स्ट्रा जो बची हुई चटनी और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी थी वो मैंने एक डब्बे में बंद करके रख दी है, अगर किसी को ज़्यादा चाहिए होगी तो वो उसमें से यूज़ कर सकता है इंशाल्लाह। और सारी चिकन भी हमारी रेडी हो चुकी थी, तो अभी हमने इसे ओवन में रख दिया है और बस इसे ऑन कर देंगे। शाम का वक्त नियरली हो चुका है, तो जब सब आएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। तो बस हो गया है शाम का वक्त और सब धीरे धीरे आने लगे हैं। तो सबसे पहले मेरी एक नंद आए थे, वो हम सब के लिए बना कर लाए थे इतने टेस्टी इतने अमेजिंग कपकेक्स, ये बहुत ही टेस्टी थे माशाल्लाह। और साथ ही उन्होंने बनाए थे राइस चिकन वाले। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने सबने एक एक डिश बांट ली थी, तो मैंने स्टार्टर बनाया था, मेरी सास ने चिकन बनाई थी और मेरी एक नंद उन्होंने चिकन रोस्ट बनाया था, और मेरी बड़ी नंद ने बनाए थे चिकन के शीश कबाब। और बस खाना नियली रेडी है, स्टार्टर तो हो चुका, अब आपको मेन दिखाती हूँ। तो मेन में बनाया था मेरी जिठानी ने गोश्त की तरकारी बनाई थी माशाल्लाह से, और साथ में नान थे और उन्होंने साथ में बनाया था सैलेड। तो बस अब हम खाना सर्व कर रहे हैं और बाहर बच्चे गार्डन में खेल रहे थे और अचानक से हो गई थी बारिश, और इतना खूबसूरत लग रहा था, आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर निकला था रेनबो, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारे घर के बॉयज़ सब खाना खा चुके हैं, अब हमारी बारी। जब हम इकट्ठा होते हैं तो माशाल्लाह से पहले बॉयज़ खा लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे और फिर हम, माशाल्लाह हमारी बड़ी फैमिली है। तो बस सबको खाना खिलाने के बाद अब हमारा टर्न है, तो हम खाना खाने लगे हैं। तो बस आप भी आए और हमारे साथ खाना एंजॉय करें, हमारा फैमिली मील। तो बस इतना टेस्टी खाना खाने के बाद हम सब ने मिलकर कर ली थी क्लीनिंग, और अब हो गया है यहाँ पर डिज़र्ट का टाइम। तो डिज़र्ट में मेरी जेठानी ने बनाया था फालूदा, जिसमें उन्होंने आइसक्रीम लिया है और उसके साथ बनाया है फालूदा और उसे नट्स वगैरह डालकर सर्व किया है। माशाल्लाह सारा खाना बहुत ही टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सोचा है मैंने कि मैं वहाँ फ्रंट में जाऊँगी और सबके साथ बातें करते करते अपना डिज़र्ट इंजॉय करूँगी, और यहाँ आदम इसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है और हम सब मिलकर बातें कर रहे हैं और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। और कितने दिनों के बाद ये मुलाकात हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं अपनी नंद की बेटी है उसे क्रोशे करना सिखा रही हूँ। उसने मुझे वीडियो में क्रोशे करते देखा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई, तो उसने बोला कि आज मुझे सिखाओ। तो बस आज मैं उसे सिखा रही हूँ, वो बहुत एक्साइटेड थी। मैं उसे बता रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे लूप बनाना है, और वो देख रही थी और फिर उसने भी ट्राई किया।
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अब वो ट्राई कर रही है। मैं उसे समझा रही हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और बस बातों बातों में हो गया है घर जाने का सबका वक्त। बस आज बहुत इंजॉय किया सबने और सब अब घर जा रहे हैं। आई होप कि वो वापस से आ सके इंशाल्लाह से, और हम वापस ऐसे ही इंजॉय कर सके। लॉकडाउन के बाद ये हमारी पहली मुलाकात थी जिसे हमने माशाल्लाह से काफ़ी इंजॉय किया। बस अब सब घर जा रहे हैं और हो गया है वक्त अल्लाह हाफिज़ कहने का। तो बस सबको अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में। माशाल्लाह से हमारी फैमिली में हम सब एक साथ मिलकर काम कर लेते हैं, तो बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ बाकी थी जिसे मैं अभी अब कर लूँगी। और जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि सॉन्ग वगैरह सुनते हुए काम करना। तो बस अब मैं सॉन्ग लगा रही हूँ और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और तो बस वो सुनते हुए मैं मॉप कर लूँगी और बस हो जाएगा मेरा काम डन। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा माशाल्लाह से, सबसे मुलाकात हुई कितने दिनों के बाद। आई होप कि आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अल्लाह आप सब की फैमिली को इसी तरह मिलाए और हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस हो गया है वक्त आपसे इजाज़त लेने का, एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड लव योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।